बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब के रिस्क में बरकत पैदा फरमाए और आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगी जो बहुत ही स्टाइलिश भी लगता है और हमेशा ट्रेंड में भी होता है। तो इसके लिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया अपनी शर्ट पर और यहाँ से मैं कट कर लूँगी कैंची की मदद से। और यहाँ पे मैंने 4 इंच पे जो निशान लगाया ना, ये आपने ये है अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस लिहाज से, क्योंकि हम बना रहे हैं स्टार नेक बना रहे हैं बैंड के साथ। तो इसमें हमने अगर आप स्मार्ट हैं तो फिर आपने 3 इंच या 3.5 इंच पर निशान लगाना है ताकि ये फिर आपके गले में इसकी अच्छी सी फिटिंग आए। तो अब हम इसके लिए जो अपना नेक डिज़ाइन है बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने बुकरम ली है इस तरह से, और इस बुकरम की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन यहाँ पे मैंने ली है, यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने ली है 13 इंचज़ और यहाँ से ये देखिए ये 4 इंचज़ है, यहाँ पर मैंने चौड़ाई ली है। आपने अगेन अगर आप ये ज़्यादा हेल्दी जो हैं उसके लिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे 3 या 3.5 इंचज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद ये देखिए इसकी गहराई यहाँ पे गले की मैंने रखी है 11 इंच और उसके बाद यहाँ पर हमने रखी है 1/2 इंच। इस तरह से 1/2 इंच पे मैंने निशान लगाया और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन जुड़ा करनी है और 4 इंच पे जो हमने निशान लगाया है और इस निशान को हमने इस तरह से मिला देना और इस तरह से हमारा वी शेप का इस तरह से जो गला है वो इस तरह से ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमने 1/4 इंच पर इस तरह से एक और लाइन लगानी है जहाँ से हम अपने गले को कट करेंगे। तो अब हम अपने इस पैटर्न को कट कर लेते हैं। हमारा जो बुकरम पे पैटर्न था ये कट हो गया। इस तरह से हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना और इसके सेंटर में हमने इस तरह से निशान लगाना है और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 11 इंचज़ है और ये देखिए सेंटर में इस तरह से हमने इसे आयरन कर लेना है और उसके बाद इस तरह से यहाँ पे हमने 4 इंच पर एक निशान लगा लेना है जितना हमने अपने गले की चौड़ाई रखी है। हम इसे यहाँ से कट करेंगे कपड़े को और इस तरह दोनों साइड पे हमारा निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है इस एक्स्ट्रा फैब्रिक पे। तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक पे ये अपने पैटर्न को इस तरह से पेस्ट कर दिया है और अब तकरीबन हमने ये देखिए 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर अच्छे से आयरन करके और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने एक सिलाई लगानी है चारों तरफ। देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है साइड पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था। उसके बाद ये बुकरम के साथ साथ भी मैंने सिलाई लगा दी है जो ये देखिए बैक साइड से आपको ये सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये जो बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगाई है ना, इस पर हमने रख के अब इस तरह से लेस लगानी है। ये मैंने इस तरह से शटल की छोटी लेस ले ली है और इसकी ये जो सीधी साइड है ना ये ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रही है और हमने इस तरह से इस लेस को रखना है। जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है जो हमने बुकरम के साथ साथ लगाई है उसके ऊपर हमने साथ साथ सिलाई लगानी है दोबारा से। तो ये देखिए यह मैंने इसके साथ साथ सिलाई लगा दी है। जिस सिलाई पे हमने बुकरम के साथ साथ जो सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई पर हमने इसे इस तरह से रख के और सिलाई लगा दी है। और ये जो लेस है ये सिर्फ मैंने साइड्स पे लगाई है, नीचे आप देख रहे हैं कि मैंने इस लेस को नहीं लगाया है। अब हमने ये शर्ट का अगला पीस लिया है, इस पर भी आर रह गई। ये देखिए ऊपर मैंने 4 इंचज़ पे ये निशान लगाए हुए हैं गले के। अब हमने यहाँ पे इस तरह से इसको रखना है और हमने इसके साथ साथ बुकरम के सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इसे मैंने कमीज़ का जो गला हिस्सा था उसके साथ हमने इस तरह से अटैच कर लिया, जिस तरह से सिंपली हम गला लगाते हैं कोई भी, इस तरह से मैंने रख के और इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हमने इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे पहले हम कट कर लेंगे। उसके बाद हमने ये साइड्स पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हमने इस तरह से ये देखिए इसे पलट के सीधा कर लेना और अच्छे से हम यहाँ पर इसे आयरन कर लेंगे और इस तरह से, और उसके बाद हम इसे तरपाई कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो वी शेप हमने नेक लाइन बनाई थी वो हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। और अब मैंने इसको पहले आयरन किया अच्छे से, उसके बाद मैंने इसे तरपाई भी कर लिया। ये देखिए ये हमारा जो पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। हमें क्या करना है कि ये बैक साइड को इस तरह से ऊपर रखते हुए और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारे शोल्डर्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड से। ये देखिए हमने इसे रख के और इसे अटैच हमने कर लिया है। और बैक से मैंने ये देखिए ये जो मैं आपको कपड़ा दिखा रही हूँ ना, तकरीबन हाफ इंच यहाँ से मैंने इस तरह इसे रख के और इस कपड़े को कट कर लिया है। ये देखिए यहाँ से मैंने इस कपड़े को इस तरह से रखते हुए और बैक साइड से हाफ इंच तकरीबन कटिंग की है इसकी। और उसके बाद हमने सेंटर में इस तरह से मैंने बैक का जो बिल्कुल सेंटर आ रहा है ना वहाँ एक कट का निशान लगा दिया है। अब हम अपने गले की मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए और ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है 14.7 इंचेस ये जो हमारे पास आ रहा है। अब इसका हमने हाफ़ करना है और उससे तकरीबन 2 इंच आप तकरीबन ज़्यादा इससे ले लेंगे कपड़ा। ये हमारा तकरीबन 30 इंच आएगा और 32 इंचेस हम लेंथ लेंगे जो हम इसमें बैन लगाने के लिए बना रहे हैं। ऐसे मैंने बुकरम ले लिया और बुकरम की तकरीबन जो चौड़ाई है ना वो इस तरह से है। 1 इंच हमने चौड़ाई रखनी है इसकी और तकरीबन ये 2 पॉइंट्स हमने ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है जो हमारा सिलाई में आएगा। क्या करना है ये देखिए यहाँ पे ये जो तकरीबन हमारे गले की लेंथ है ना 10.5 इंचेस आ रही है रेडी होने के बाद, तो इसका हमने इस तरह से हाफ़ कर लेना है। और हाफ़ करने के बाद यहाँ पे हमने जहाँ पे हाफ़ हमारा आ रहा है वहाँ पे इस तरह से हमने निशान लगा देना है। और इस निशान पे हमारे जो स्टार शेप है ना वो हमारी इस निशान पे आएगी। ये देखिए दोनों साइड पे हमने बिल्कुल इक्वल निशान लगा लेना है। ये जो हम आगे गला बनाने जा रहे हैं, इसका डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे जो हम वी शेप देंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आनी चाहिए, अदरवाइज़ गले की जो खूबसूरती है वो फिर उस तरह से दिखाई नहीं देगी। देखिए ये जो हमने निशान लगाया ये नीचे से हम देख लेंगे, ये तकरीबन 5.5 इंचेस है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे तकरीबन हमने ये छोड़ना है सिलाई के लिए में देने के लिए, यहाँ पे हमने ये छोड़ के उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए 5.5 इंचेस पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने दोनों बुकरम को अपने बुकरम को साथ रख लिए इस तरह से और ये हमने इस तरह से एक सेंटर पे निशान लगा दिया। उसके बाद बिल्कुल उसी के सामने हम यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने तकरीबन ऊपर जो ट्रायंगल बनानी है वो हमने बनानी है 1.5 इंचेस पर बनानी है। तो ये देखिए ये जो हमारा निशान है सेंटर में आना चाहिए और तकरीबन 1/4 इंच दोनों साइड पे इस तरह से इसका निशान आएगा। हम इन निशानात को इस तरह से जब मिलाद रिमूव, अब हम इन जो निशानात हैं इनको स्केल की मदद से इस तरह से मिलाते हुए लाइन जड़ा करेंगे और यहाँ पे हमारी एक बहुत ही अच्छी सी जो है वो ट्रायंगल जड़ा हो जाएगी। देखिए ये हमारी ट्रायंगल इस तरह से जड़ा हो चुकी है। हमने इस तरह से दोनों बुकरम के पीसेस को पकड़ते हुए और अब हम इस ट्रायंगल को कट कर लेंगे। होने के बाद ये हमारे ट्रायंगल की ये इस तरह से शेप आ गई है। और ये बुकरम आपने इसकी लंबाई जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने 32 इंचेस लंबी बुकरम लेनी है। तो ये इस तरह से हमारा जो ट्रायंगल्स हैं वो बन गई हैं। ये देखिए ये मैंने अपनी बुकरम को इस तरह से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 5 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो ओब्वियसली हमारी जो बुकरम की लेंथ है उसके बराबर होगी। अब हमने इस कपड़े को इस तरह से करना है और यहाँ पे ये जहाँ पे सिर्फ हमारी ट्रायंगल बनी है ना यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस ट्रायंगल पर भी। देखिए दोनों ट्रायंगल पर इस तरह से मैंने बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम कट कर देंगे और उसके बाद छोटे छोटे हम कट लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। हम इसे इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ट्रायंगल की शेप बन के रेडी हो गई है। क्या करना है, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। उसके बाद ये जो कपड़ा है बुकरम के साथ वाला, इसे हम टोटली अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जो एक्स्ट्रा है। और यहाँ से ये जो नीचे वाला कपड़ा है, ये हमें 1/2 इंच तकरीबन मैंने इसको कट किया है, ये ज़्यादा है। उसके बाद बाकी जो कपड़ा होगा ना, उसे हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ। और ये देखें, ये दोनों जो हमारी साइड्स हैं ना, इस तरह से बराबर हो जाएंगी और यहाँ पे फिर हम इसे आयरन कर लेंगे। देखिए ये पूरा मैंने जो हमारी बुकरम वाला पीस था, ये रेडी हो गया है। मैंने इसे नीचे वाली साइड पे देखिए ये पूरी तरह मैंने सिलाई लगा दी है। हमारा कितनी नीट हुई है, देखिए सिलाई लग के रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने गले पर अटैच करेंगे और उसके लिए ये देखिए, अच्छा मैंने आपको बताया कि नीचे अगर आपने 2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम लिया ना, तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे छोड़नी है। और फिर यहाँ से देखिए नीचे वाली साइड पे आपने पहले ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है ना ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल को आपने बिल्कुल इसके सामने रखना है और नीचे से फिर आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो ये अब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। और नीचे आपने अगर 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम रखी है, जब आपने टोटल बुकरम की कटिंग की है तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम रखी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम आपकी यहाँ पर नीचे जानी चाहिए। और अगर आपने 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम रखी हुई है तो फिर आपने 1/2 इंच इधर जाएगी और 1/2 इंच दूसरी साइड पे आपकी चली जाएगी। तो इस तरह अब हमने इसको रखना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से इस तरह से अपना ये जो स्टार शेप हमने बैन बनाया ना, इसे हम अटैच करना शुरू करेंगे। तो नीचे मैंने तकरीबन 1 इंच दबाते हुए शुरू किया और उसके बाद मैंने ये देखा है कि ये जो मैंने जहाँ पर निशान लगाया है वो वी शेप जो बनी हुई है वो बिल्कुल उस निशान के सामने आनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल बुकरम के हाफ में एक आपने निशान लगा लेना है। जो निशान हमारी बैक साइड के हाफ पे हमने निशान लगाया था, बिल्कुल उसके बराबर आना चाहिए। इस तरह से 2-3 निशान आपने इस तरह से मेजर करके लगाते जाना है। और ये ट्रायंगल है और जो दूसरी ट्रायंगल है बिल्कुल अपनी जगह पर आनी चाहिए, फिर आपका जो नेक डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल सही बन के रेडी होगा। ये हमारा पूरा जो बैन था वो लग के रेडी हो गया इस तरह से। और ये देखिए हमारी जो वी है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रही है, तभी हमारी प्यारी सी जो स्टार शेप है वो आएगी। तो यहाँ पर नीचे जो इसके अभी आप देख रहे हैं, नीचे मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई है इस जगह पे, तो यहाँ पे भी आपने सिलाई नहीं लगानी। पहले हमने अपने गले को अच्छे से सेट करना है, उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए क्या, हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। हमने 7 इंच गहराई रखनी थी गले की, तो उस लिहाज से 7 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखिए हम इसको इस तरह से करेंगे। और यहाँ पे हमने 7 इंच पर, ये देखिए हम दोबारा से मेजर कर लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 7 इंच पर यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ये देखिए अपनी वी को भी बिल्कुल हमारी एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। और इस तरह से हमने 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया। और अब हमने यहाँ पर एक सिलाई लगानी है और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ नीचे भी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये मैंने ऊपर सिलाई लगा दी है और हमारा गला जो है वो बिल्कुल अपनी परफेक्ट शेप में आ गया है। और यहाँ पे नीचे भी मैंने सिलाई लगा दी और यहाँ पे सिर्फ मैंने तकरीबन 1 इंच पर निशान सिलाई लगाई है, फुली नीचे तक नहीं लगाई है। अच्छा, अब ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, उस पर आप कोई भी बटन टसल्स या इस तरह से, मेरे पास ये लेस के फ्लावर्स पड़े हुए हैं तो मैं यही यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स रखे हैं और इनके ऊपर मैं एक ब्लैक कलर का मोती लगाऊंगी, पर्ल लगाऊंगी और इसे यहाँ पर अटैच कर दूँगी। और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा गला बनके तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनके रेडी हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इसकी बहुत डिफरेंट लुक आती है। ये जो हमने वी बनाई है इसके बाद इसकी बिल्कुल एक स्टार की सी शेप आती है, इसी तरह इसीलिए इसे स्टार शेप नेक डिज़ाइन कहा जाता है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और जहाँ पे आपको ना समझ आया आप मेरे वीडियो को दोबारा देखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आएगा।